Dear students, in this lecture we will discuss about the crystal field splitting of octahedral complexes. In the previous lecture we have discussed about the crystal field theory, that was CFT, and according to CFT how the d orbitals split in octahedral environment, that will be discussed in this lecture. Is lecture mein hum discuss karenge crystal field splitting octahedral complexes ki. इसी तरीके से हम क्रम से पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट ज्योमेट्रीज की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को. सो दिस फिगर इज शोइंग दी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ये फिगर क्या शो कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को. सेंट्रल मेटल एटम और छह जो कॉर्नर्स हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के, वहां से छह लिगेंड्स विल अप्रोच द मेटल सेंटर, L1, L2, L3, L4, L5 एंड L6, एंड दे आर अप्रोचिंग फ्रॉम थ्री डिफरेंट डायरेक्शंस, X, Y एंड Z. तो ये तीन डायरेक्शन से छह लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं. ये जो ज्योमेट्री है वो क्या कहलाती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स. डी ऑर्बिटल्स के शेप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वहां पर आपने देखा कि दो तरीके के ग्रुप्स थे डी ऑर्बिटल के. एक ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस थे और एक ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस थे. उसी डिफरेंस से हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को पढ़ सकते हैं. अब यहां पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे देन यू विल फाइंड दैट this is the metal center and these are the six ligands. They are approaching from x, y and z direction and these ligands they are the dipolars. ye dekhiye dipolars hain aur inka jo negative pole hai it is towards the metal center. you can also use the only the negative sign as the ligand may be anionic species also. तो ये आप चाहे तो इसमें केवल नेगेटिव साइन से दिखाएं, दैट मींस लिगेंड्स आर एनायनिक, एंड या फिर आप इस तरीके से दिखाएं इसको डाइपोलर की फॉर्म में और इसका जो नेगेटिव पोल है दैट इज टुवर्ड्स द मेटल सेंटर. ये मेटल सेंटर की ओर है. तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो छह लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल सेंटर. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सेंटर की ओर अट्रैक्टेड होंगे और जब ये अट्रैक्शन होगा उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये एक इसमें मैंने ऑर्बिटल बनाया. देखिए ये ऑर्बिटल के अगर लोब देखेंगे आप तो ये वाई डायरेक्शन में, देखिए ये लोब वाई डायरेक्शन में है और दो लोब एक्स डायरेक्शन में. इट मीन्स दीज लोब्स आर इन द एक्सेस, दे आर अलोंग द एक्सेस और उसी एक्सेस से कौन आ रहा है? लिगेंड. उसी एक्सेस से कौन आ रहा है? लिगेंड. तो ये हम सीएफटी को पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में. वहां आपने देखा कि जो ऑर्बिटल्स दे आर इन द डायरेक्ट पाथ ऑफ लिगेंड्स देयर स्प्लिटिंग विल टेक्स प्लेस. उनका रिपल्शन होगा. ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव पोल ऑफ दिस लिगेंड they will repel each other and due to this repulsion splitting of d orbital will takes place. now see the other d orbital. ab aap dusra d orbital dekhiye jiske lobes along the axis hote hain aur is orbital ko aap dekhenge to ye dekhiye z direction mein iska lobe hai. to z direction mein lobe hai matlab z direction se jo do ligand approach kar rahe hain वो उनका नेगेटिव पोल और डी जेड स्क्वायर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में रिपल्शन होगा एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन स्प्लिटिंग ऑफ दिस डी जेड स्क्वायर विल टेक्स प्लेस. तो जो पहले पांच ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर थी उन पांच ऑर्बिटल्स में से ये दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके लोब्स इन दी दे आर अलोंग द एक्सिस. तो इनकी स्प्लिटिंग क्या होगी, इनका रिपल्शन क्या होगा? अधिक होगा बिकॉज दे आर ऑन द वे ऑफ दीज अप्रोचिंग लिगेंड्स. अप्रोचिंग लिगेंड्स के वे में है और इनके अंदर है इलेक्ट्रॉन्स. सो द रिपल्शन विल बी हायर एज कंपेयर टू द अदर थ्री ऑर्बिटल विच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड.
Now you can see these 3D orbitals. अब आप इन 3D orbitals की position octahedral complex में देख सकते हैं. इस orbital को अगर आप देखेंगे तो this lobe is in between the x and y axis. ये देखिए axis है और ये जो lobe है ये इन दोनों axis के बीच में है. अगर आप इस orbital को देखेंगे तो यहाँ पर lobe देखिए z और y के बीच में है. और इस ऑर्बिटल को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे दीज लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सेस. तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है वो डी एक्स वाई है क्योंकि ये एक्स और वाई के बीच में इसके लोब्स हैं. ये ऑर्बिटल डी वाई जेड है बिकॉज द लोब्स आर इन बिटवीन वाई एंड जेड एंड दिस ऑर्बिटल इज डी एक्स जेड बिकॉज द लोब्स आर इन बिटवीन एक्स एंड जेड. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर डी एक्स वाई ऑर्बिटल होगा तो ये क्या कर रहा है. देखिए ये लिगेंड है. ये लिगेंड जो है वो तीन डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं बट द डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन बिटवीन द वे ऑफ दीज लिगेंड्स. इन लिगेंड्स का जो पाथ है इनके बीच में ये लिगेंड है और इनमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन. तो आप जान सकते हैं कि ये लिगेंड दोनों का नेगेटिव पोल इस मेटल की ओर है लेकिन ये डी ऑर्बिटल दूर है इन लिगेंड से. सो रिपल्शन विल बी लेस इन दिस केस. लाइकवाइज इन केस ऑफ डी वाई जेड ऑर्बिटल द रिपल्शन विल बी लेस. अगेन आप देखेंगे कि ये लोब इस और इस डायरेक्शन के बीच में है. यहां से कौन आ रहा है L1 लिगेंड, यहां से आ रहा है L5 लिगेंड. तो ये लिगेंड जो है वो इस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन कम करेंगे ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द लोब्स ऑफ दिस डी ऑर्बिटल. इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्स एंड वाई. तो इनका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा कम होगा. लाइकवाइज इन केस ऑफ डी एक्स जेड ऑर्बिटल यहां पर भी आप देखेंगे ये जो लोब्स हैं दे आर इन बिटवीन एक्स एंड वाई. दे आर इन बिटवीन L4 एंड L5 L6 and other ligand. So the ligands are not directly approaching these d orbitals. तो ये d orbitals को directly approach नहीं कर रहे हैं ligands. तो इसलिए इन में जो present electrons होंगे उनका repulsion कम होगा. So we can say that the two orbitals जिनके lobes along the axis थे यानी dx square, y square and dz square उनका रिपल्शन अधिक होगा और ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सेस हैं इनका रिपल्शन कम होगा इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड. हम किसकी बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं. मतलब है कि जब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं था व्हेन द मेटल इज द फ्री मेटल आयन देन एट दैट टाइम All the d orbitals they are degenerate. वो क्या थे they were degenerate. उनकी एनर्जी बराबर थी पांचों की लेकिन जैसे ही छह लिगेंड ने अप्रोच किया इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी में कुछ चेंज आया तो किसी की एनर्जी तो बढ़ गई ड्यू टू मोर रिपल्शन और किसी की एनर्जी कम हो गई ड्यू टू लेस रिपल्शन. तो इस वजह से क्या होगा वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे. ये जो ग्रुप है ये तीन ऑर्बिटल्स का है थ्री ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी बराबर होगी. सो दीज आर ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाई टी. इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे टी से. एंड ऑल द डी ऑर्बिटल्स दे आर जीरेट. सो दीज ग्रुप्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाई टी टू जी. ये किससे रिप्रेजेंट होंगे टी टू जी से रिप्रेजेंट होंगे. दीज ऑर्बिटल्स आर टी टू जी. दे आर नोन एज टी टू जी बिकॉज ऑफ ट्रिपली डी जनरेट करेक्टर. उनकी एनर्जी बराबर होती है और जी फॉर जी रेट. और इससे पहले जो हमने ऑर्बिटल्स देखे थे दो ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर दे आर ई जी ई फॉर डब्ली डी जनरेट. दो ऑर्बिटल थे दोनों की एनर्जी बराबर होगी आप देखेंगे और वो क्या थे जी रेट. इसलिए उनका नाम क्या रख दिया हमने ईजी. नाउ दिस इज द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का स्प्लिटिंग पैटर्न ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखिए, ये 5 डी ऑर्बिटल हैं। ये क्या है? डी ऑर्बिटल्स। इसको हमने लिखा है डीजेनरेट। पांचों की एनर्जी बराबर है, पर ये क्या है? फ्री आयन, फ्री मेटल एटम और फ्री मेटल आयन है जब कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो आपने इसके पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, पहले अट्रैक्शन होगा इन बिटवीन द नेगेटिव पोल ऑफ द डाइपोलर और एनायनिक लिगेंड एंड मेटल सेंटर, एंड आफ्टर दैट रिपल्शन इन बिटवीन द डी इलेक्ट्रॉन्स एंड द एनायनिक पार्ट ऑफ द डाइपोलर टेक्स प्लेस, एंड ड्यू टू दैट रिपल्शन the energy of the d orbital will increase. But here you can see that all the 5 d orbitals energy increases. So this is an hypothetical state. ye ek hypothetical state hai. Agar spherical crystal field hota, matlab aapne dekha ki spherical crystal field nahi tha, kyunki do orbital alag tarike se present the मेटल सेंटर में और तीन अलग तरीके से प्रेजेंट थे, तो इस वजह से वो स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड नहीं था। लेकिन अगर ये होता, अगर ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड होता, तो फिर क्या सिचुएशन होती? इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती और इन 5ों की एनर्जी बढ़ती। अभी भी ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं। बट यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप जानते हैं कि ये तीन ऑर्बिटल, ये कौन से ऑर्बिटल हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ये ऑर्बिटल्स की आप देख रहे हैं, ये टूट गया, 5 ऑर्बिटल टूट गए 3 और 2 में। ये जो ऑर्बिटल हैं वो हैं डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इनमें क्या हो गया, ये डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना। दिस इज ओनली द हाइपोथेटिकल स्टेट, ये केवल एक हाइपोथेटिकल स्टेट है। एक्चुअली स्प्लिटिंग होती है इन 5 डी ऑर्बिटल्स की, और ये जो हाइपोथेटिकल स्टेट है, इस हाइपोथेटिकल स्टेट की जो एवरेज एनर्जी है, दैट इज बेरी सेंटर। उसको क्या कहते हैं? बी ए आर वाई सी ई एन टी आर ई। सो दिस इज बेरी सेंटर। ये एवरेज एनर्जी दिखाती है। अगर कोई स्प्लिटिंग नहीं होती और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो फील्ड है दैट इज स्फेरिकल, तो क्या होता कि एक एवरेज एनर्जी होती इन 5 ऑर्बिटल्स की, दैट इज नोन एज बेरी सेंटर। लेकिन क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दीज 5d ऑर्बिटल्स दे स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। 3 सेट्स आर हैविंग द लोअर एनर्जी देन द एवरेज एनर्जी, एंड दिस सेट इज d2g, एंड 2 ऑर्बिटल्स दे आर हैविंग हायर एनर्जी देन द एवरेज एनर्जी दैट इज बेरी सेंटर, एंड दीज सेट्स दे आर नोन एज ई जी। तो ये मैंने आपको पहले कहा है कि ये 2 हैं तो ई फॉर डबली, ये 3 हैं जिनकी एनर्जी बराबर है, और ये मतलब ट्रिपली, T2G सेट इसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 ऑर्बिटल्स 2 सेट में स्प्लिट होंगे। दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इसमें आप देखेंगे कि T2G की एनर्जी कम हो जाती है और EG की एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों होता है ऐसा, ये आपने देख लिया है, क्योंकि ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं दे लाई इन द पाथ ऑफ लिगेंड्स, 6 लिगेंड्स के पाथ में ये आते हैं, डायरेक्ट अप्रोच में है, तो उनका नेगेटिव पार्ट और इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे दे विल रिपेल ईच अदर, सो देयर एनर्जी विल इंक्रीज। और ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये डायरेक्ट अप्रोच में नहीं है, इसलिए इनमें उतना रिपल्शन नहीं होगा जितना इन दोनों में होगा, सो दैट देयर एनर्जी विल डिक्रीज। इनकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी इस एवरेज एनर्जी से। तो ये क्या हुए? स्टेबलाइज। ये इनकी एनर्जी क्या हुई? कम हुई। तो ये क्या हो गए? स्टेबलाइज। और ये क्या हो गए? इनकी एनर्जी बढ़ी। सो दीज 2 ऑर्बिटल्स दे डीस्टेबलाइज। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, दिस इज T2G, दिस इज EG, द डिफरेंस इन बिटवीन दीज 2 ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। इसको क्या कहते हैं? CFSE कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, विच विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर लेक्चर्स। सो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
and this is represented by delta O, because this crystal field splitting energy is for octahedral complex. So this is represented by delta O, or it can be represented by 10 dq, because delta O is equal to 10 dq. ये इक्वल होते हैं. ओके, नाउ आप देख सकते हैं, अब आप देखिए कि ये जो एनर्जी में डिक्रीज हुआ है ये माइनस पॉइंट फोर डेल्टा ओ, और हम कहेंगे माइनस फोर डी क्यू. अब ये माइनस में क्यों दिखाया हमने, क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन है. और ये जो आप देखेंगे, जो ये डी स्टेबलाइजेशन है वो 6 डी क्यू या 0.6 डेल्टा ओ के बराबर होता है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ओ और 10 डी क्यू. ये कैसे हमने निकाला, देखिए ये कितने ऑर्बिटल हैं, तीन टोटल, कितने ऑर्बिटल थे, पांच, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 5 डेल्टा, इनका कंट्रीब्यूशन हो जाता है 2 अपॉन 5 डेल्टा ओ, और इनका कंट्रीब्यूशन हो जाता है 3 अपॉन 5 डेल्टा ओ. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितनी एनर्जी से ये स्टेबलाइज होंगे उतनी एनर्जी से ये क्या होंगे, डीस्टेबलाइज होते हैं. तो यहाँ पर टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर ये कम्प्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो तीन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी और यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो बराबर होनी चाहिए. तो बराबर होने के लिए क्या हुआ कि ये 0.6 से डिस्टेबलाइज हुआ और ये 0.4 से डिस्टेबलाइज हुआ, इसलिए इसको माइनस साइन से दिखाते हैं, इसको पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं. अब आप सोचिए कि अगर इसमें तीन इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर इसमें तीन इलेक्ट्रॉन हैं तो आप इसके 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए. तीन इलेक्ट्रॉन है और एक के लिए जो एनर्जी है वो कितनी है, 0.4, माइनस 0.4, तो कितनी आ गई एनर्जी, माइनस 1.2. अगर यहाँ पर भी हाफ फील्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, देखिए हाफ फील्ड की बात कर रहे हैं, इफ दिस इज ऑल्सो हाफ फील्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, कितने से स्टेबलाइजेशन हो रहा है, 0.6 से, तो कितना आ गया, 1.2. तो आप देख रहे हैं अगर ये हाफ फील्ड हो या ये भी हाफ फील्ड हो, तो 1.2 से ये डिस्टेबलाइज हो रहा है और 1.2 से ये स्टेबलाइज हो रहा है. ऐसे ही अगर ये फुल फील्ड होगा तो ये 2.4 से डीस्टेबलाइज होगा, ये 2.4 से स्टेबलाइज होगा. तो एनर्जी क्या होगा, इसकी बराबर, इसके बराबर. तो ये बराबर एनर्जी के लिए ही ये जो कंट्रीब्यूशन है ये 0.6 डेल्टा ओ है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है वो माइनस 0.4 डेल्टा ओ है. तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वेयर यू विल फाइंड दैट 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ octahedral complex, they split into two sets, T2G and EG, and these T2G and EG, this T2G is having lower energy and EG is having higher energy. How much? This is 0.6 delta O and this energy is माइनस 0.4 डेल्टा ओ. और क्यों ये स्प्लिटिंग हुई, वो आप जब तक आप डी ऑर्बिटल्स के शेप नहीं जानेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा कि हाउ दिस बिकम पॉसिबल. अब आप देखिए, ये जो हमने बात की है वो डी ऑर्बिटल्स की बात की है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग की बात कही थी. इफ यू सी द एफ ऑर्बिटल्स दैट आर प्रेजेंट इन द लेंथेनॉइड्स, तो यहाँ पर भी स्प्लिटिंग होती है एफ ऑर्बिटल्स की, बट द स्प्लिटिंग इज वेरी स्मॉल बिकॉज द 4 एफ ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इनसाइड, so that ligands cannot affect the splitting of 4f orbital. So extent of splitting is very low in case of f orbital. Then जो octahedral complexes हैं वो transition metals के अगर हम देखें तो वो दो तरीके के होते हैं, based on crystal field theory. Crystal field theory के basis पर ये दो तरीके के complex होते हैं. इससे पहले हमने valence bond theory जो पढ़ी उसमें आपने देखा जो octahedral complexes थे वो दो तरीके के थे, एक थे inner orbital complexes और दूसरे थे outer orbital complexes. ऐसे ही according to CFD the octahedral complexes can be divided into two types of complexes. So these complexes, one of these complexes is strong field or low spin or spin paired,
कॉम्प्लेक्सेस। तो पहला टाइप जो है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं हम उन्हें, या फिर हम उन्हें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, या फिर हमें स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के केस में डेल्टा ओ क्या होती है, लार्ज होती है। जो हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ी ये लार्ज होती है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये डिफरेंस आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में। सो द वीक द स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम 3D ट्रांजिशन सीरीज को देखेंगे तो वो मेटल्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से इक्वल या फिर ग्रेटर देन होती है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। वाइल इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स अगर आप 4D एंड 5D सीरीज को देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं 4D एंड 5D सीरीज के, जबकि 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स दोनों तरीके के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। एंड यू विल फाइंड देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स the value of delta O, and according to the value of delta O the strong field and weak field complex is formed. Now the strong field complexes can be formed by D4, D5, D6 and D7 configurations. ये चार configurations ऐसे हैं जो कि low spin complex का formation कर सकते हैं। Now the second category or second type is वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। इनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आप देखेंगे। इन कॉम्प्लेक्सेस की डेल्टा ओ इज स्मॉल, इनकी डेल्टा ओ कम होती है, और इट दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, और जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम। फिर आप देखेंगे जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं 3D सीरीज के विच आर हैविंग लेस देन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। वो क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो जो वीक फील्ड D4, D5, D6, D7 कॉन्फ़िगरेशंस के वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल हैं। तो ये चार कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे हैं विच कैन फॉर्म आइदर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दैट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। और आपने देखा वन ऑफ द फैक्टर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ इट इज लेस देन +3 then they are high spin complex, and if it is greater than 3 then they are low spin complex, and this also depends upon delta O value. So if the delta O value is small then the complexes are high spin or weak field complexes, if the delta O value is large then they are strong field complexes. When we will study the factors that affects the value of delta O, कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि डेल्टा ओ की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, उनमें से एक फैक्टर है लिगेंड फैक्टर। क्योंकि आपने देखा ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स हैं जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स हैं ये किस पर भी डिपेंड करते हैं, लिगेंड पर भी डिपेंड करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तो आप ये देखेंगे जो एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है दैट इज फॉर द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, ये आप देख सकते हैं लिगेंड्स को अरेंज किया गया है। ये आप देख सकते हैं जो इनकी स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी, ये जो लिगेंड हैं जो इसके टॉप पोजीशन पर है राइट पर हैं दे आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और ये जो लिगेंड है ये वीक लिगेंड है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो वीक लिगेंड होते हैं दे फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। सो दिस इज अ सीरीज, और इस सीरीज में आप ये देखेंगे कि अगर आप इसको देखें ये हैलाइड्स हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, हैलाइड्स की। उसके बाद किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन की। फिर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नाइट्रोजन की। देन किसकी होती है, कार्बन की। तो अगर आप देखेंगे दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर ऑफ द डोनर एटम, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है जो लिगेंड है वो अधिक स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा
उतनी अधिक क्या होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू होगी। और जितनी अधिक डेल्टा ओ की वैल्यू होगी आप देखेंगे उतना ही वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे द फैक्टर्स, अगेन आई विल डिस्कस इन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ सीएफएससी। ये सिर्फ इसलिए है कि ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, ये क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, और ये कैसे हैं, वीकर लिगेंड्स हैं। तो वीकर लिगेंड्स स्प्लिटिंग को कम कर देंगे और जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स होंगे वो स्प्लिटिंग को बढ़ा देंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रॉन्ग लिगेंड विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस एंड दे आर ऑल्सो नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दे आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो वीक फील्ड, जो जो वीक लिगेंड होंगे दे विल फॉर्म वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस और दे आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो कैसे होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, डिफरेंट कन्फिग्रेशंस, क्योंकि हमने क्लासिफाई कर लिए हैं कंपाउंड्स, उसमें हम देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल ये दिया है ये है D1 कॉन्फ़िगरेशन और ये है D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो D1 और D2 कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखेंगे तो कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो ये पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की। तो आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, द डी ऑर्बिटल विल स्प्लिट इंटू T2g एंड EG सेट। और इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। सो अगेन द अप्लाई रूल वही अप्लाई होंगे कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, लो एनर्जी लेवल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, देखिए T2g1। अगर हम D2 कन्फिग्रेशन को देखें तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, T2g सेट में, और ये क्या है, ये EG है, ये क्या है, T2g। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग हो गई और ये कन्फिग्रेशन क्या हो गया, T2g, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, T2g में। नाउ इन केस ऑफ D3 कन्फिग्रेशन अगेन यू विल फाइंड द थ्री इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेजेंट इन द T2g। तो अगेन आप देखेंगे कि पॉसिबिलिटी एक ही है कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऑर्बिटल में चले जाएं, क्योंकि सारे रूल फॉलो होंगे, इंक्लूडिंग हुंड रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अ पाउ प्रिंसिपल। सो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में फिल होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, T2g3। दिक्कत मैंने आपको जो बताया, चार ऐसे कन्फिग्रेशन से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, D4, D5, D6 एंड D7। चार ऐसे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैं जहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग में डिफरेंस आएगा। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए डेल्टा ओ इतनी है, और अगर इस वाले को देखें तो डेल्टा ओ अधिक है। तो अगर डेल्टा ओ कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए फीलिंग का जो जो ऑर्डर है वो बदल जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, देन यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ। ये एनर्जी डिफरेंस कम है, सो इलेक्ट्रॉन कैन गो टू हेयर। तो आप देख सकते हैं चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे उतनी ज्यादा इसकी स्पिन होगी। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन। क्यों होगी स्पिन ज्यादा, देखिए इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी है, प्लस हाफ, इस वाले इलेक्ट्रॉन की कितनी है, प्लस हाफ, इसकी कितनी है, प्लस हाफ, इसकी कितनी है, प्लस हाफ। तो टोटल स्पिन अगर हम चारों की जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2। तो यहां पर जो स्पिन है वो है 2। अब अगर ये डिफरेंस अधिक बढ़ गया, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, T2g3 Eg1, इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, T2g3 Eg1। अब आप देखिए इस कॉम्प्लेक्स को, अगर ये डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहां नहीं जा पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4। अब यहां पर आप देखिए इसका स्पिन प्लस हाफ, इसका स्पिन माइनस हाफ, सो इनका स्पिन हो गया 0, प्लस हाफ प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन कितनी हो गई, 1। तो किसकी स्पिन ज्यादा है, इसकी स्पिन, तो इसकी स्पिन कितनी है, 2 है यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की स्पिन कितनी है, 1। सो इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, लो स्पिन, कैसा, D4, और ये कैसा हो गया, हाई स्पिन D4 कन्फिग्रेशन। अब आप देखिए जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था
उसका नाम हमने क्या कहा, उसका नाम हमने कहा था वीक फील्ड। ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी क्या है, अधिक है। तो जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। इनको हम वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्प्लिटिंग क्या होती है, कम होती है। और तीसरा नाम जो हमने दिया था वो दिया था स्पिन पेयर्ड। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्पिन पेयर्ड है, देखिए स्पिन पेयर हो गई क्योंकि ये यहाँ नहीं जा सकता, इसलिए यहीं पर इसकी पेयरिंग हो गई। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम क्या है, तीसरा नाम है स्पिन पेयर्ड, जबकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम क्या है, स्पिन फ्री। यहाँ पर स्पिन फ्री है, फ्री स्पिन है, पेयरिंग नहीं हो रही है। तो ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ आप देखेंगे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर जो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम होगी अकॉर्डिंग टू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू कैन सी द D5 कन्फिग्रेशन। अब आप D5 कन्फिग्रेशन देख सकते हैं, अगर वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, T2G3EG2। अब अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को देखें क्योंकि डेल्टा ओ इज हायर, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गो हेयर, सो दैट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकम्स T2G5। और अब आप देखिए D6 को अगर हम देखेंगे, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, T2G4EG2। अगर हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखें तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो देर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द कन्फिग्रेशन बिकम्स T2G6, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा ओ की वैल्यू अधिक, यहाँ पर डेल्टा ओ की वैल्यू कम है, तो इसलिए ये पेयर्ड है और ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर हम D7 की बात करें तो D7 कन्फिग्रेशन में क्या होगा, D7 कन्फिग्रेशन में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इन केस ऑफ हाई स्पिन कैसे होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डेल्टा ओ कम है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले यहाँ होगी, देन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, T2G5EG2। और LS अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू हाई है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इलेक्ट्रॉन तब ऊपर जाएगा जब यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, जबकि यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे फिर पेयरिंग होगी। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, T2G6EG1। तो आप देख सकते हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का कन्फिग्रेशन कुछ और है और लो स्पिन का जो कन्फिग्रेशन है वो कुछ और है, बट दिस इज द केस ऑफ 4 कन्फिग्रेशन। ये किसका केस है, 4 ऐसे कन्फिग्रेशन हैं, D4, D5, D6 एंड D7। ये 4 कन्फिग्रेशन ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे जो लो स्पिन है या जो हाई स्पिन है उनके जो जो कन्फिग्रेशन हैं दे आर डिफरेंट। बट नाउ वी कैन डिस्कस D8 कन्फिग्रेशन। तो अगर D8 कन्फिग्रेशन की फीलिंग हम दोनों तरीके से करके देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरा तरीका देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम कैसे भी इसकी फीलिंग करें तो इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिग्रेशन सेम आएगा, एंड दैट इज T2G6EG2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम, तो इसमें हम ना तो हाई स्पिन कहेंगे ना हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, जैसे आपने देखा था D1, D2, D3, नाउ D8, D9 एंड D10। ये ऐसे कन्फिग्रेशन हैं जहाँ पर हम लो स्पिन एंड हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे क्योंकि दोनों केस में कन्फिग्रेशन सेम है। हम कहाँ पर बात करेंगे, D4, D5, D6 एंड D7, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग अलग अलग तरीके से होती है, देयर कन्फिग्रेशंस आर डिफरेंट। तो उन वो कन्फिग्रेशंस में हम कहेंगे कि हाँ ये लो स्पिन है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। नाउ आई विल शो यू द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D9 कन्फिग्रेशन। तो कैसे फीलिंग होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। So that the configuration will become T2G6EG3.
थ्री। तो डी नाइन कन्फिग्रेशन कोई हाई स्पिन नहीं होगा, लो स्पिन नहीं होगा, हम कैसे भी इसको फिल करें हमें यही कन्फिग्रेशन मिलेगा डी टू जी सिक्स ई जी थ्री। डी टेन तो खैर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसलिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा टी टू जी सिक्स ई जी फोर। तो ये और सारे कन्फिग्रेशंस आपने देखे कैसे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ वी कंक्लूड द लेक्चर, अब हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। इस लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे अरेंज रहते हैं। आपने देखा कि दो ऑर्बिटल जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर थे, ये ऑर्बिटल्स डायरेक्ट अप्रोच में होते हैं लिगेंड के, इसलिए इनमें रिपल्शन अधिक होता है। और जो तीन ऑर्बिटल थे डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, वो डायरेक्ट अप्रोच में नहीं होते हैं, इसलिए उनमें अलग स्प्लिटिंग होती है, उनका रिपल्शन कम होता है। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, दो सेट में स्प्लिट होते हैं। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो टी टू जी सेट की एनर्जी कम होगी, दे इंक्लूड थ्री ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, एंड द एनर्जी ऑफ ई जी सेट दैट आर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दे हैव हायर एनर्जी देन द एवरेज एनर्जी। द टी टू जी सेट विल स्टेबलाइज इन देयर एनर्जी, और जो ई जी सेट है दे डिस्टेबलाइज देयर एनर्जी। द डिफरेंस बिटवीन टी टू जी एंड ई जी एनर्जी इज नोन एज डेल्टा ओ और टेन डी क्यू, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। फिर हमने पढ़ा कि ये कॉम्प्लेक्सेस दो तरीके के होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मीन्स वीक फील्ड और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स एंड स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। वी हैव स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। फिर हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस किया कि किस तरीके से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंज रहती है, और फिर हमने देखा कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट डी कन्फिग्रेशंस में कैसे होती है। तो आपने वहाँ पर देखा कि कन्फिग्रेशंस डी वन डी टू डी थ्री एंड डी एट डी नाइन डी टेन, ये छः कन्फिग्रेशंस ऐसे हैं जहाँ पर लो स्पिन और हाई स्पिन की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन चार कन्फिग्रेशंस हैं डी फोर डी फाइव डी सिक्स एंड डी सेवन, जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लो स्पिन एंड हाई स्पिन प्रॉपर्टीज़। So this is all about this lecture. Thank you very much.